ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल नेक्स्ट हेडिंग और अगेन वी कैन से ऑलमोस्ट द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद सिर्फ एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बचता है. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल. पहले मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल को. सर हाँ सर, वो एडिशन ऑफ क्या है आगे? इनर्ट गैस. इफ एनी चेंज, किस टाइप के चेंज? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और कैटलिस्ट. इसमें से ऐसी कोई भी हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं इज इम्पोज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम. ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है ऑन एन इक्विलिब्रियम reaction, then equilibrium has tendency to oppose the effect of change in order to achieve equilibrium again. If any change is imposed on an equilibrium reaction, then equilibrium has tendency to oppose the effect of change. और ये अपोज क्यों करेगा? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू अचीव इक्विलिब्रियम अगेन. लेट से हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है. इस बॉल को हमने डिस्टर्ब करके यहाँ पर लेकर आ गए, हम इसको ऊपर लेकर आए. क्या लगता है, जैसे तुम ये चेंज इम्पोज करोगे बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी? वापस ऊपर जाएगी, वहीं पे रहेगी या नीचे आएगी? डाउनवर्ड आएगी, नीचे आएगी. तो हम इसको ऊपर लेके गए, उसने हमारा चेंज, हमारे जो भी हमने चेंज इम्पोज किया है उसका अपोज किया. क्लियर? सेकेंड पॉसिबिलिटी, इस बॉल को मैं यहाँ पे लेके गया, वापस से वो नीचे आएगी. सो इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, व्हाटएवर द चेंज वी आर इम्पोजिंग, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम इज देयर. क्लियर? पहले से इक्विलिब्रियम था, यदि हम कुछ उस पे चेंज इम्पोज करेंगे तो उसका अपोज होगा. क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर. फर्स्ट यहां पर मैं एक और लिखना भूल गया, कंसंट्रेशन. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, उतना और एड कर लो. एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी रिएजेंट. रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट भी पॉसिबल है. चलो बोर्ड पे आप देख लेना. एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी रिएजेंट, N2+3H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनिया, वी हैव दिस रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में
हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट ऑफ ऑल ली चैटेलियर्स इज एप्लीकेबल व्हेन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम इज देयर, इज इंपोज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है. क्लियर? ऑलरेडी हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया प्रेजेंट था विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. नाउ इफ यू इंपोज एनी चेंज, एडिशन और रिमूवल ऑफ. चलो मैं फर्स्ट केस लेता हूं, मैं N2 को ऐड कर देता हूं. पहले मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था अमोनिया पावर 2, N2 पावर 1, H2 पावर 3. क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा किसी भी फैक्टर से चेंज होता है क्या? नो सर. क्या मैं नाइट्रोजन ऐड कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर. नो सर. So basically, equilibrium constant still remains same. If I am going to add some reactant, if I am going to add some product, if I am going to remove reactant, if I am going to remove product, मैं कुछ भी add करूँ, कुछ भी remove करूँ, equilibrium constant तो change नहीं होगा, ये पक्का है. अब equilibrium constant था हमारे पास ammonia power 2, nitrogen power 1, hydrogen power 3. ये equilibrium constant है. हमने कुछ नाइट्रोजन ऐड कर दिया, अमोनिया H2 अभी भी उतना ही है, डेफिनेटली हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया. जैसे ही हमने लेड से नाइट्रोजन को डबल कर दिया तो अब ये रेशियो पहले जितना रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बची. ये Kc इक्वल टू दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज देयर. तो अब क्या हो जाएगा, ये Qc हो जाएगा. जैसे ही मैंने नाइट्रोजन बढ़ाया तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Qc में, विच इज नॉट इक्वल टू Kc. Qc नाइट्रोजन इंक्रीज हो गया है, ये रेशियो जो पहले इक्विलिब्रियम पे रेशियो था उससे कम हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है. क्या हम ये बोल सकते हैं ये कंडीशन होगी QC is less than KC क्योंकि नाइट्रोजन बड़ा है तो ये रेशो कम हो गया है. सो अब ये जो रेशो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है. यस सर. यस सर. अब QC KC से कम हो गया है तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? When Q is less than K, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड तो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हमने नाइट्रोजन ऐड किया, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके किसको कंज्यूम कर रहा है, नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रहा है क्या? अब क्वेश्चन आता है, लेट्स से इक्विलिब्रियम पे इसका वन मोल था, हमने इसको डबल कर दिया, वन प्लस वन कर दिया. क्या सर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब तक शिफ्ट होगा जो भी हमने ऐड किया उसका 100% अपोज हो जाए? वो भी चेक कर लेते हैं. मतलब ये पूरा का पूरा वन मोल कंज्यूम होगा या टू से कहीं वन और टू के बीच में जाके सेटल होगा या वन से भी कम हो जाएगा? समझना, मैं वन से टू कर रहा हूं नाइट्रोजन के अमाउंट को, क्या वो वापस से कंपनसेट होके वन तक आएगा, वन से ज्यादा होगा या वन से कम होगा? तो मैं एक सिंपल सा एक वैल्यू लेके इसे एक्सप्लेन कर देता हूं. लेट से ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम पे इसके वन मोल, इसके टू मोल, इसके थ्री मोल, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो, जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए. दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब मैं डिस्टर्ब कर देता हूं, डिस्टर्ब कंडीशन क्या हो गई, वन प्लस वन, टू थ्री, इन्हें तो चेंज किया नहीं है. यहां पर डिफाइन होगा आपके इक्विलिब्रियम व्हिच इज थ्री पावर टू अपॉन वन पावर वन इंटू टू पावर थ्री. तो ये आ रहा है हमारे पास, या इसको भी मैं टू ले लेता हूँ जस्ट कैलकुलेशन ईजी हो. क्लियर? टू पावर थ्री, सो वन बाई टू, ये आ रहा है इक्विलिब्रियम. यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन होगा, रिएक्शन क्वेश्चन हो जाएगा टू पावर टू, टू पावर वन, टू पावर थ्री. सिर्फ ये वन की जगह टू आ गया, सब कुछ सेम रहेगा, तो ये आ गया वन बाय फोर, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. अब वापस से रीइक्विलिब्रियम अचीव होगा. कंडीशन फॉर रीइक्विलिब्रियम, टू में से कुछ पार्ट रिएक्ट कर गया, हमें नहीं पता कितना किया है. टू में से एक्स रिएक्ट किया, टू में से थ्री एक्स रिएक्ट करेगा और इसका 2x बन जाएगा. x can react with 3x to give 2x. Out of 2x has been reacted to react with 3x to give 2x. बचा कितना? 2 minus x, 2 minus 3x, 2 plus 2x. यदि किसी को ये थर्ड वाले में डाउट हो कि ये कैसे लिखा है तो ये पूछो. समझ गए? आया समझ में अर्चित, अथर, ईशा? यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा मैं आज कुछ बच्चों से मिलना चाहता हूँ, तो
तो पहले तो मुझे बताओ एक 10-15 मिनट बस, ज्यादा नहीं, सेंटर पर कौन कौन आ सकता है? मला, हर्षिता, अंशु तो खैर आता ही है, अंशु तो मिलता ही हूं मैं। हर्षिता आर यू देयर? यस सर। तुम आओ एक तो सेंटर पे आज। सो मलाल, हर्षिता और किससे मैं बहुत टाइम से नहीं मिला हूं, लोकेश। यस सर। आ सकता है सर, पापा भूल गए। अच्छा, और ईशा? सर ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं है। समीक्षा? सर नो वन इज देयर टू ड्रॉप। सर आप वो रीइक्विलिब्रियम फिक्स बता सकते हो? हाँ तो एक मिनट आता हूँ। आशीष, आशीष तुम आ सकते हो? ठीक है, मलाल एंड हर्षिता 1:30 क्लियर। यस सर। हर्षिता 1:30 पे आना है तुम्हें, 1:30, 1:45। यस सर। ओके, सो रीइक्विलिब्रियम टू में से इसका बेसिकली ये हमने ऐड किया है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसका एक्स रिएक्ट करेगा, इसका 3x रिएक्ट करेगा, इसका 2x बनेगा। कितना प्रेजेंट था? 2 में से x रिएक्ट किया, 2 - x, 2 में से 3x रिएक्ट किया, 2 - 3x, ऑलरेडी 2 था, 2x और बन गया, इतना बचा। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वापस से यदि रिलेट करूंगा, केसी जो 1/2 आया था फर्स्ट केस में, 2 + 2x / 2, 2 - x / 1, 2 - 3x / 3, this power 1, this power 3, this power 2। अब मैं क्रॉस चेक करता हूं क्या ये x पूरा का पूरा 1 होगा। मैं पहले 1 रख के देख लेता हूं, क्लियर। यदि मैं x को 1 रखूंगा, 1 रखूंगा मतलब 100% में जितना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, सारा का सारा एक्स्ट्रा एडेड अमाउंट इज रिएक्टिंग टू गिव प्रोडक्ट, क्लियर। x को 1 रख के देखते हैं क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। x को 1 रखा, 2 + 2, 4 का स्क्वायर, ये आ गया 1। x को 1 रखा तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो फिजिबली नहीं कि x 1 हो जाए, राइट। और जस्ट यदि इसका मिनिमम वैल्यू में लेता हूं रफली 0 या 0.1, तो दिस क्वांटिटी इज मच ग्रेटर देन हाफ। तो ये डेफिनेट है कि जितना मैं ऐड कर रहा हूं उतना तो पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है, x मस्ट बी लेस देन 1, क्लियर। मतलब वो उसे अपोज तो कर रहा है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी लाइक इट इज अपोजिंग अप टू 100%, क्लियर। हाँ, कुछ केसेस में 100% भी अपोज होगा। कब होगा? यदि मैं रिएक्शन को इस वे में ले लेता, CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब देखना इस केस में होगा ये सॉलिड ये सॉलिड, तो इनका तो कंसंट्रेशन पिक्चर में नहीं है, तुम इसको डबल करोगे, KP विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तुमने CO2 को डबल किया तो KP को वापस से उसके पार्शियल प्रेशर को वापस से उस पे आना ही आना है, तो यहां पे 100% उसका अपोज होगा। सो जहां पर मेरे पास या तो सिर्फ रिएक्टेंट है या सिर्फ प्रोडक्ट है, तो फिर 100% अपोज होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन में। जहां पर दोनों है तो फिर 100% अपोज नहीं होगा। क्या इतना समझ में आता है हमें? अपोज विल बी देयर, बट द अपोज मे और मे नॉट बी 100%। 100% अपोज तब होगा या तो सिर्फ रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो रिलेशन है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट हो या सिर्फ प्रोडक्ट हो। यदि दोनों है जैसे यहां पर, तो फिर 100% अपोज नहीं होगा। हमें बेसिकली उसको अपोज करना क्यों है? उसको वापस अपने रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर लेके जाना है, तो जहां पर वो इक्वल हो जाएंगे वहां पर जाके वो रुक जाएगा। सर ये, हाँ बोलो, क्या आप वो कैल्शियम कार्बोनेट का वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं लिख के कर देता हूँ, अभी भी मैंने ये पूरा स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, कैसे लीच एटिलेरस वैलिड है, क्लियर। अभी तो मुझे लिखाना बाकी है सब कुछ,
देखो यदि हम CaCO3 की बात करें Kp ये रिलेशन है। अब तूने क्या किया इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था इसको डबल कर दिया इसके मोल्स मोल्स डबल कर दिए मतलब इसका पार्शियल प्रेशर डबल कर दिया क्लियर इसके मोल्स yes, तूने x से 2x कर दिए। अब इसके मोल्स ये तो पिक्चर में है ही नहीं रिलेशन ही नहीं है जब तक ये वापस से x नहीं आता या मैं इसको बोलता हूँ p था तूने 2p कर दिया वापस से p नहीं आता तो मेरा तो kp मैच ही नहीं करेगा ना मतलब तूने डबल किया था उसने वापस से एग्जैक्टली हाफ कर दिया जितना तूने इंक्रीज किया था उतना ही उससे डिक्रीज कर दिया यहां पर जो अपोज हुआ है वो 100% हो गया है गॉट इट यस सर थैंक यू सर तो 100% अपोज कहां पे होगा जहां पे सिर्फ रिएक्टेंट्स हो या सिर्फ प्रोडक्ट्स क्योंकि फिर दूसरा इफेक्ट ही नहीं करेगा इसलिए On addition of reactants or removal of products at equilibrium, shift the reaction. क्या लिखूंगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्टेंट को ऐड करोगे या फिर प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तुमने प्रोडक्ट रिमूव किया सिस्टम हैज टेंडेंसी टू अगेन रीजनरेट द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रीजनरेट कब होगा ईशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा या बैकवर्ड ईशा कैन यू हियर मी Forward. क्या सेकेंड पॉइंट खुद से लिखोगे रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड सेकेंड पॉइंट खुद से लिखो ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन सेकेंड खुद से लिखना है ना तुम्हें अब मैं इस पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं सर फाइंड यस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग बोलो सर फर्स्ट आप बता सकते हो फिर से क्या फर्स्ट बताऊं सर ए पॉइंट ये तो पहले पूरा एक्सप्लेन किया उसके बाद मैंने लिखा है नाइट्रोजन को ऐड किया था अभी तो क्या हुआ था रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई थी Forward. बस जो ऑलरेडी वो जो एक्सप्लेन किया था ना पूरा नाइट्रोजन वाला एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन पहले किया है लिखा बाद में यस सर तो नाइट्रोजन को ऐड करोगे रिएक्टेंट को तो सिस्टम रिएक्टेंट को कंज्यूम करेगा रिएक्टेंट कंज्यूम कैसे होगा फॉरवर्ड में जाकर तुम प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो सिस्टम प्रोडक्ट बनाएगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा फॉरवर्ड में जाकर यस सर क्लियर थैंक यू सर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग At equilibrium
You just need to mention forward or backward, that's it. First question is straightforward, second mein thoda sa twist hai, bahut zyada nahi.
चलो फर्स्ट वन इज क्वाइट इजी. हमने रिएक्टेंट CO2 ऐड किया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया. CO ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. कार्बन सॉलिड, सॉलिड के एक्टिव मास का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्लियर? नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग. अब CO2 को रिमूव करोगे बैकवर्ड, CO को रिमूव करोगे फॉरवर्ड. क्या फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है कहीं भी? कार्बन सॉलिड है, इसका एक्टिव मास वन होता है, तुम ऐड भी करोगे रिमूव भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा. एक्टिव मास वन होता है, दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू राइट कार्बन सॉलिड इन द इक्विलिब्रियम रिलेशन. इतना समझ में आता है? निर्मिति, ओम. यस यस सर. चलो सर. सर फिर CO2 भी प्योर गैस ही होगा ना सर? प्योर गैस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर गैस? ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या? मैंने ये लिखा है प्योर गैस का एक्टिव मास वन होता है. चलो प्योर भी है तब भी मैंने लिखा है कि प्योर गैस का एक्टिव मास वन होता है. नो सर. तो फिर तो प्योर कैसे होगा जब ये इक्विलिब्रियम में है तो दो गैस मिक्सचर नहीं है फिर? और प्योर अकेला भी गैस होता तब भी उसका बेसिकली कुछ मतलब एक्टिव मास वन नहीं होता है. यस सर. ओके चलो, ऑन एडिशन ऑफ अमोनिया कहां जाएगा बोलते जाओ? फॉरवर्ड. ऑन एडिशन ऑफ NH4 प्लस? बैकवर्ड. ऑन एडिशन ऑफ NaOH, NaOH मतलब हम Na प्लस OH माइनस ऐड कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस एक्सिस्ट इन द प्लस ओ एच माइनस. बैकवर्ड. ऑन एडिशन ऑफ एच टू? नो शिफ्ट. ऑन एडिशन ऑफ एच टू? नो शिफ्ट. अभिषेक क्या होगा? सर चेंज नहीं होगा. आर्य? नो शिफ्टिंग. फॉरवर्ड. ऑन एडिशन ऑफ एच टू ओ फॉरवर्ड. देखो कैसे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. Equilibrium constant for this reaction is NH4 plus OH minus upon NH3. What is this concentration? क्या ये मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है क्या? Yes sir. हम इसके मोल चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके भी नहीं कर रहे हैं, इसके भी नहीं कर रहे हैं, बट पानी को ऐड कर रहे हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने वॉटर को जो सॉल्वेंट है डबल कर दिया है. क्या ये सारे कंसंट्रेशन जो पहले थे वो अब हाफ हो जाएंगे यदि वॉल्यूम डबल हो गया है तो? ऑल द कंसंट्रेशन बिकम हाफ. ये टू तो कैंसिल हो गया. क्लियर? ये एज इट इज जो पहले रिलेशन था वो आ गया हमारे पास और एक टू एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर. सो पहले जो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय टू, मतलब हमारा ये जो वैल्यू है ये क्यू आ रहा है कि इक्विलिब्रियम बाय टू के Q is smaller than K, half है उसका. So reaction quotient तो change हो गया है, अब वो K की equilibrium के equal नहीं बचा है. Q is less than K. किस direction में reaction shift होगा? If Q is less than forward. K, direction of shifting will be forward. Forward. यहाँ पे reaction forward shift होगा. और एक्चुअली फॉरवर्ड इसलिए शिफ्ट नहीं होगा कि यहाँ पर H2O है, इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि ये H2O एडिशन पर ये जो कंसंट्रेशन है
इन तीनों को चेंज कर देगा. प्रोडक्ट साइड में दो है, पावर टू आ रहा है, और रिएक्टेंट साइड में पावर वन आ रहा है. सारे कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगे तो पावर टू वाले में ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, तो ज्यादा डिक्रीमेंट प्रोडक्ट साइड में हो रहा है. यदि बाई चांस जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोफिशियंट थ्री होता ना, तो यही पावर थ्री हो जाता है यहाँ पर, वन बाई टू पावर थ्री होता, ये टू कैंसिल होता और एक टू नीचे आने के बजाय ऊपर आ जाता. उस केस में यहाँ पर इंटू टू होता और ये जस्ट अपोजिट हो जाता, ये होने के बजाय क्यू ग्रेटर देन के हो जाता और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता. तो ये पावर पे डिपेंड करता है. यदि रिएक्टेंट साइड में ज्यादा पावर है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा पावर है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है. डी पार्ट डायरेक्ट तो H2 इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट इट इज अफेक्टिंग इनडायरेक्टली. अनुष्का क्लियर है? यस सर. ये डेफिनेटली मैं इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और रिएक्शन में जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे थ्री होता तो मतलब जस्ट कोफिशियंट यहाँ पे ज्यादा होता इसके कंपैरिजन. यहाँ पे तो इस रिएक्शन का तो जो कोफिशियंट है वो फिक्स ही रहेगा. सर सर वो कौन हमने वो H2 उसमें कॉन्सेंट्रेशन में ऐड नहीं किया तो फिर भी वो उसका डिफरेंस क्यों आया सर उसमें? सॉल्वेंट है ना, ये खुद इफेक्ट नहीं कर रहा है बट इनके कंसंट्रेशन को तो कम ज्यादा कर रहा है ना. मोल्स पर लीटर तो पर लीटर तो इसके ही पर लीटर है ना वो सॉल्यूशन का. यस सर. सेकंड केस पहला था इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ मोल्स, सेकंड आएगा चेंज ऑफ वॉल्यूम by changing pressure. हम वॉल्यूम को हाँ सर वो एक्वस है इसलिए लिक्विड के वजह से चेंज होगा ना, अगर सॉलिड होता तो चेंज नहीं होता ना, सॉलिड या गैस. हाँ सॉलिड या गैस होता तो नहीं होता, बट यदि सॉलिड गैस होता तो वहां पे H2O लिक्विड रिएक्शन में भी पिक्चर में नहीं आता. एक गैस एक लिक्विड तो वो भी रिएक्शन होते हैं, हालांकि वेपराइजेशन रिएक्शन, तो उस केस में इफेक्ट नहीं आता. मतलब जस्ट मुझे यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिखना पड़ रहा है, एक्वस लिखा है और मैं पानी को चेंज करूंगा तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है. यहाँ पे एक्वस की बजाय किसी और फेज में होते तो शायद इफेक्ट नहीं आता. यस सर. चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय चेंजिंग प्रेशर और चेंज ऑफ प्रेशर बाय चेंजिंग वॉल्यूम एक ही बात है. तुम यहाँ पे प्रेशर लिख दो, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम प्रेशर एक साथ चेंज होंगे. यदि मैं प्रेशराइज करूंगा सिस्टम को तो वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस होगा. और मेनली किसको अफेक्ट करेंगे? इट मेनली अफेक्ट गैसियस फेज इक्विलिब्रियम और फेज equilibrium in which density is changing. ये second case का जब मैं example हुआ तो ही पता लगेगा. It mainly affect the gaseous phase equilibrium. तो मैं अभी के लिए ध्यान रखना है क्योंकि gaseous phase में pressure volume change का effect आएगा. देखो हाउ टू रीड दिस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर. सो ये आप एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम. ठीक है, पहले लिखा होगा तो जनरली हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे और बाद में लिखा होता है तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस, मतलब वो जनरली इफेक्ट में आता है. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम द रिएक्शन in such a way so that
it can increase its pressure by increasing number of moles of gases, that is direction in which delta ng greater than zero. कॉपी करो अगेन, मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है भी ये. सेकेंड पॉइंट खुद से लिखोगे. ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम शिफ्ट द रिएक्शन इन सच अ वे सो दैट इट कैन इंक्रीज की जगह डिक्रीज, डिक्रीज इट्स प्रेशर, क्योंकि हमने प्रेशर देख, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया. यहां पर किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया, हमने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर कम करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स. सिर्फ द रिएक्शन इन सच अ वे सो दैट इट कैन डिक्रीज इट्स प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स. तो तुम्हें अब चेंज करना ये होगा, यहां पर जो मैंने इंक्रीज किया था उसे डिक्रीज कर लो, यहां पर जो मैंने डिक्रीज किया था उसे इंक्रीज कर लो. हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, सिस्टम विल इंक्रीज द प्रेशर. क्लियर? Shift the reaction in such a way so that it can increase its pressure by increasing the number of moles of gases, that is direction in which delta ng greater than zero. So यहाँ पे तुम्हें change करना होगा. मैंने second case का ये लिख दिया था. If we are decreasing the pressure, then system has tendency to increase the pressure. यदि हम सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट भी तुम्हें लिखना है, सिर्फ इंक्रीज की जगह डिक्रीज, एक ये चेंज होगा. डिक्रीज इट्स प्रेशर, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो की जगह डेल्टा एनजी लेस देन जीरो. सो यहां पर डिक्रीजेस, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, और यहां पर लेस देन जीरो. सेकेंड पॉइंट चलो मैं एक एग्जांपल लेके इसे एक्सप्लेन करता हूं. यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, PCl5 गैस, PCl3 प्लस Cl2 ऑलरेडी इस गैसियस फेज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है. वी आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट T इक्वल टू जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? अब जब हम रिएक्शन, जब हमने रिएक्शन स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया. अब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टोटल प्रेशर सिस्टम का डिक्रीज होगा. टोटल प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? लेट्स से तुमने वॉल्यूम को डबल कर दिया,
according to Boyle's law at constant temperature, all the partial pressure becomes half of the initial. जो भी initial partial pressure रहे होंगे उसके half हो जाएंगे. तो अब हमारा QP आ जाएगा, जो भी equilibrium पे partial pressure था Cl3 का by 2 PCl3 का by 2, इसका जो partial pressure था equilibrium पे by 2, इसका जो partial pressure था PCl5 का by 2, एक 2 तो cancel हो गया. ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम है तो उसको मैं लिख देता हूं केपी, एक टू एक्स्ट्रा बच गया. क्लियर? अब क्यूपी आ रहा है केपी बाय 2, मतलब क्यूपी इज लेस देन केपी, तो रिएक्शन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. कब? जब हमने प्रेशर को कम किया है, वॉल्यूम को बढ़ाया है. देखो एक वेसल का वॉल्यूम मेरे हाथ में, ये एक वेसल है जिसमें इक्विलिब्रियम है, इसका वॉल्यूम मैं कम ज्यादा कैसे कर रहा हूं ये मेरे हाथ में. रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है दे कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम को बढ़ाया कम नहीं कर सकते हैं. तो अपोज कैसे करेंगे? वो अपने आप में जो भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं उसे करके वो चेंज, जो चेंज इंपोज किया गया उसे अपोज करेंगे. जो प्रेशर मैंने कम कर दिया था, ये गैस के मोल्स क्या करेंगे, उन्हें एक मोल गैस का यदि दो मोल गैस में कन्वर्ट होता है तो अपने आप सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा. जिस वेसल का मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, प्रेशर कम कर दिया है, नाउ सिस्टम हैज टेंडेंसी टू अगेन अपोज द इफेक्ट ऑफ चेंज, टू इंक्रीज द प्रेशर by increasing the moles of gas, वो ऐसे direction में shift होगी reaction जहाँ पे gas के moles बढ़े, और यदि moles बढ़ गए तो अपने आप pressure बढ़ जाएगा. clear? PV equal to nRT. अब volume वो change कर नहीं सकते हैं, वो change कर सकते हैं सिर्फ, वो shift हो सकते हैं forward backward, उनके हाथ में इतना ही. तो उस direction में shift होंगे जहाँ पे वो pressure बढ़ा सकें, और pressure वहाँ पे बढ़ेगा जहाँ पर number of moles gas के बढ़ेंगे. जैसे ही moles बढ़े वैसे ही pressure बढ़ गया. क्या इतना समझ में आया? वो लीचेटी लेयर से एक्सप्लेन किया मैंने, और ये मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया है. जब तुम सब कुछ हाफ कर दोगे तो क्यू लेस देन के हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. इज दैट ओके? डेल्टा एनजी फॉरवर्ड डायरेक्शन है 1 + 1 2 - 1, सो डेल्टा एनजी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज प्लस 1, डेल्टा एनजी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन इज माइनस 1. 1 plus 1, 2 moles of gas in the product, 1 mole of gas in the reactant, 2 minus 1 is plus 1. Backward mein aoge to 1 mole of gas here, 2 moles of gas here, 1 minus 2, that is minus 1. Kuch doubt yahan tak? No. Second case, yadi tumne pressure bada diya. प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? वॉल्यूम कम करके. तो सिस्टम प्रेशर कम करेगा. प्रेशर कैसे कम करेगा? दो मोल गैस के लिए एक मोल में कन्वर्ट हो गए तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, राइट? चलो ये एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम शिफ्ट reaction in backward direction. On increasing pressure by decreasing volume, shift reaction in backward direction, where delta Ng is negative. That is, moles of gas are decreasing.
और वहीं पे यदि हम डिक्रीज कर देंगे बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव दैट इज मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग. लिखोगे सेकंड खुद से? यस सर. यहाँ पे डिक्रीज करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है, बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड करना है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना है, डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग करना है. जितना सर्कल किया है उसे अपोजिट कर लेना, बस लिखना है सभी को ना. On decreasing pressure by increasing volume, shift the reaction in forward direction where delta mg is positive. That is moles of gas are increasing. Sir. Yes. सर मतलब कोई भी कंपोनेंट ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट नहीं करेगा ना. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर डिपेंडेंट है, दैट्स इट. ओके सर, थैंक यू सर. पता है मैं ली चैटर्स प्रिंसिपल कब भी का खत्म कर चुका होता. 30 मिनट्स 20 मिनट्स का है ये पूरा, यदि मैं थ्योरी पढ़ाने जाऊंगा. बट मैं ये ट्राई कर रहा हूँ जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो एग्जांपल मैं साथ में कवर करते चले जाऊं. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, समझना है तुम्हें ना, ध्यान रखना है, फोकस रहना. Thank you.
HCl plus NH3 giving NH4Cl white fumes. तो मैं just ये बताना है, if we increase the pressure by decreasing the volume, how many of the following factors are changing? मतलब increasing or decreasing? सिर्फ ये answer report करना है, ठीक है? Increases or decreases? PP stands for partial pressure. Already equilibrium tha. At equilibrium, if we are increasing, at equilibrium or mention kar deta hu main. हो गए? Yes sir. चलो तनिषा बताओ आंसर क्या है? PP for HCl. Sir increases. हमने प्रेशर बढ़ाया है, clear? By decreasing volume at equilibrium. So मैं definitely. But moles increases, partial pressure decreases. सर मोल्स इंक्रीजेस और पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस. पीपी डिक्रीजेस. क्या डिक्रीजेस के अलावा किसी का कोई और आंसर है? समय ना एक मिनट, तुम थोड़ा सा मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ. मैं कंपैरिजन ये कब कर रहा हूँ? इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन कर रहा हूँ. मतलब ये इक्विलिब्रियम था हमारे पास, इनिशियली मैंने डिस्टर्ब किया, अब वापस से री इक्विलिब्रियम आ जाएगा. क्लियर? मैं इस री इक्विलिब्रियम और पहले वाले इक्विलिब्रियम को कंपेयर करना चाहता हूं. क्लियर? डेफिनेटली जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तब का तो मुझे पता ही कि मैंने क्या डिस्टर्ब किया है. बट मैं अब डिस्टर्ब किया है, डिस्टर्बेंस के बाद रिएक्शन शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद री इक्विलिब्रियम अचीव करेगा,
अब जब वो रीइक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो इनका क्या होगा रीइक्विलिब्रियम कंडीशन पर? क्वेश्चन समझ में आया ना? मैंने इक्विलिब्रियम मेंशन किया था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम? तो पहले जो इक्विलिब्रियम था और बाद में जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या चेंजेस है? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। हाँ तनीषा बताओ क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एचसीएल? सर डिक्रीजेस। नहीं सेम होगा, पार्शियल प्रेशर विल नॉट चेंज। मैं जब केपी का रिलेशन लिखूंगा वन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एचसीएल इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट तो सॉलिड है यहां पर, लेट से जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तुमने सारे प्रेशर को डबल कर दिया तो ये डबल हुआ है सो 2:1/4 आ जाएगा, वो एग्जैक्टली जब तक इतना नहीं होगा तब तक केपी वापस अचीव ही नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। सो सेम होना ही है ना, क्योंकि अच्छा न्यूमरेटर में कुछ होता ना तो फिर एक बात अलग होती, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, पार्शियल प्रेशर को मैं इन दोनों को डबल कर रहा हूं तो इन दोनों को ही हाफ होना है अपने आप, तो डबल किया तो वापस से हाफ होना, मतलब जिस वैल्यू से हम उसको बढ़ा रहे थे वापस से उसको उस वैल्यू पे आना ही आना है। इसका पी नॉट लेट से क्लियर, सो मैं इसको टू पी नॉट कर दूंगा डिस्टर्ब कंडीशन पे तो उन्हें वापस पी नॉट पे आना ही पड़ेगा, सो रिमेन सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रिमेन सेम। मोल्स ऑफ एचसीएल इसका क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ एचसीएल पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखो, पार्शियल प्रेशर सेम है, आरटी सेम है, वॉल्यूम को क्या चेंज किया है तुमने, हाफ कर दिया है क्या या कम कर दिया है क्या? यदि वॉल्यूम कम हुआ है तो मोल्स क्या होंगे? इंक्रीज। वॉल्यूम कम किया है तो मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी डेफिनेटली, क्लियर? फॉरवर्ड कब तक शिफ्ट होगी? जब तक कि इनका प्रेशर वापस से पी नॉट नहीं हो जाता है, सो मोल्स ऑफ एचसीएल डिक्रीजेस, moles of NH3 decreases, moles of NH4Cl increases because reaction is shifting in forward direction. Okay. Mass constant, it is solid. Take your time, 1 to 2 minutes. कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो वापस से इसमें। यहाँ पे भी गैस कुछ होता ना तो फिर मैं इसको सेम नहीं लिखता शायद। चलो बाय चांस जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे तो गैस नहीं होता है, यदि गैस होता तो फिर ए और बी ऑप्शन में आंसर क्या आता? क्वेश्चन क्या होता है ए और बी का आंसर? सर वो गैस है क्या इस फॉर सील अभी? यदि तीनों गैसेस होते हैं तो सेम क्वेश्चन का ए और बी का आंसर क्या होता? सर तो फिर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। नहीं मतलब समझना, पी नॉट से 2:P0 लेके गया, क्लियर? तीनों का तूने प्रेशर बढ़ा दिया, अब तीनों का तूने प्रेशर बढ़ाया, इसका भी प्रेशर बढ़ाया, चलो मैं इसका भी इक्विलिब्रियम पे पी नॉट ले लेता हूं तो डबल कर दिया 2P0, ठीक है? अब तीनों का तूने बढ़ा दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, -P1 +P1 1:1:1 ऐसा कुछ होगा। क्या P1 एग्जैक्टली P0 के इक्वल होगा? या तू ये बोल रहा है इनका प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब P1 का वैल्यू 2P0 से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब तूने P0 से 2P0 किया है और तू बोल रहा है जो जितना हमने बढ़ाया उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, जबकि याद है मैंने एक एग्जांपल में लेके बताया था कंपनसेशन होता है बट 100% तक नहीं होगा, 100% कंपनसेशन सिर्फ उस केस में होगा जहां पे या तो पूरा रिएक्टेंट सॉलिड मतलब लिख ही नहीं रहे हम इक्विलिब्रियम में या पूरा प्रोडक्ट नहीं लिख रहे जो इसके पहले वाले एग्जांपल में। तो P1 का वैल्यू डेफिनेटली P0 से कम ही होगा ना, कंपनसेशन 100% नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। तो उस केस में क्या होगा? HCl का पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस कांस्टेंट है, ओके। NH3 का इंक्रीजेस, मैं फिर से बताता हूं कैसे, देखना। KP विल बी
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोल NH4Cl, यदि प्रोडक्ट भी इसमें गैसेस होता तो ये रिलेशन होता। तुमने सारे प्रेशर डबल कर दिए, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ठीक है। अब जब तुम सभी को डबल कर रहे हो तो एक नीचे आ गया है हमारे पास पावर टू, वन बाय टू नीचे का एक फैक्टर आ गया है, क्यू लेस देन के हो गया है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो गया। अब मैं जस्ट एग्जांपल ले लो, लेट से पी वन का वैल्यू पी नॉट है, मतलब तुम पी नॉट को वापस से पी नॉट पे लेकर आ रहे हो, तो फाइनल ये कितना हो जाएगा, पी नॉट, थ्री पी नॉट आ गया और नीचे पी नॉट पी नॉट, तो ये तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ये फाइनल रिएक्शन कोएफिशिएंट तुम एज्यूम कर रहे हो, तो थ्री टाइम्स है, मतलब उतना शिफ्ट नहीं होगा, कम शिफ्टिंग होगी। सो पी वन विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट, पी वन विल बी लेस देन पी नॉट, जितना प्रेशर हमने बढ़ाया है 100% कंज्यूम कंपनसेट नहीं होगा। आया समझ में? चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा आगे भी, तब समझ में आएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट शायद दूसरा ही एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जो एडवांस लेवल के हैं, ये मतलब उसमें बहुत सोचना पड़ रहा है, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। वो एक और थर्ड केस है जो सही रिलेटेड है, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नाउ वी हैव टू वे टू एड इनर्ट गैस। एक केस है हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं। एक केस है हम टोटल प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तुम गैस को ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो मैं इसी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, किसी भी एक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। चलो मैं ले लेता हूं N2 प्लस 3H2 twice NH3, Kp is partial pressure of ammonia, power 2, N2, power 1, H2, power 3. पता है इस रिएक्शन में जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, इनर्ट गैस एडिशन पर तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, क्या अमोनिया H2 नाइट्रोजन इसको कोई फर्क पड़ेगा? इनर्ट मतलब विच इज नॉट नॉन रिएक्टिंग, क्या इनका पार्शियल प्रेशर में चेंज आएगा क्या यदि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो? No, sir. मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर मोल्स ऑफ अमोनिया RT अपॉन वॉल्यूम, तुमने ये चेंज किया नहीं है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा है, सो इसमें कोई चेंज नहीं है, तीनों में कोई चेंज नहीं है, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा क्या इस केस में? No, sir. इक्विलिब्रियम को कुछ भी अफेक्ट पड़ेगा क्या? No, sir. No, sir. No shifting at all for all cases. All cases मतलब delta NG equal to zero हो, delta NG less than zero हो, चाहे delta NG greater than zero, ये all cases। क्योंकि इसके पहले जब हमने pressure volume change किए थे ना, उस केस में हमने क्या किया था, डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो में कोई इफेक्ट नहीं आया था, शिफ्टिंग नहीं होती, यहाँ पे किसी भी केस में शिफ्टिंग नहीं होगी। नो चेंज इन पार्शियल प्रेशर। डेफिनेटली टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, तुम गैस के मोल्स इंक्रीज करोगे टोटल तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा, बट पार्शियल प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे जो पहले से गैस।
at constant total pressure. Definitely मैं इनर्ट गैस ऐड भी कर रहा हूं, यदि मैं टोटल प्रेशर पे इक्वेशन लगाऊंगा P टोटल वॉल्यूम एंड टोटल आर टी, मैं इसे कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, मोल्स गैस बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट टोटल प्रेशर और ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, एक ही बात है. तो ये तो वही गैस हो गया, इनर्ट गैस के आने से अभी भी हमारे इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाने से हर किसी का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा क्या? यस सर, यस सर. तो ये वही केस हो जाएगा जो सेकंड केस था, वॉल्यूम इंक्रीजिंग वाला केस था, राइट? अनुष्का का मैसेज है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम बिकॉज इनर्ट गैस अब्सॉर्ब गैसेस. नहीं, इनर्ट गैस किसको अब्सॉर्ब करेगी? इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं कर रही है, तो अब्सॉर्प्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इनर्ट मींस व्हिच इज नॉट रिएक्टिंग. अब पार्शियल प्रेशर तो इसलिए अनुष्का डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल्स आर टी अपॉन वी, तो ये चेंज नहीं कर रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही है, बट यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ाने के कारण सारे पार्शियल प्रेशर कम हो गए ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी से. यस सर. सर मतलब वहां पे इनर्ट गैस का कुछ भी रोल नहीं है ना? इनर्ट गैस का कोई रोल नहीं है, रोल किस चीज का है? हमने जो टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखने के कारण हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया, सो इनर्ट गैस का स्टिल कोई रोल नहीं, बट ये जो कांस्टेंट प्रेशर वर्ड यूज किया है ना, इसमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया है, इसका मेन रोल है. तो ये सिमिलरली जो सेकंड केस था, सेकेंड केस में डिक्रीजिंग प्रेशर, हमारे गैसेस का तो प्रेशर अभी भी डिक्रीज हो रहा है, भले इनर्ट गैस के कारण टोटल प्रेशर मेंटेन, तो इनर्ट गैस से तो हमें लेना देना ही नहीं है, राइट? यस सर. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम. Sir, excuse me. एक फेज इक्विलिब्रियम वाला जरूर मेरा रह गया है. तुम्हें अटेम्प्ट करना है सेक्शन के पार्ट टू सेवन क्वेश्चन से, ऑल सेवन क्वेश्चंस राइट नाउ फ्रॉम सेक्शन के, बट उसके पहले एक छोटा सा हेडिंग मुझे बताना है. सेक्शन के एक्सरसाइज वन पार्ट टू. नोट करके लिख लो, एक्चुअली वो सेकंड उसमें ही आना था, प्रेशर वॉल्यूम चेंज में. Thank you.
चलो मुझे बताओ आइस वाटर इक्विलिब्रियम में क्या इतना हमें समझ में आता है? यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, जितना तुम सिस्टम को प्रेशराइज करोगे उतना डेंस होगा, राइट? यस सर। सो फॉर फेज इक्विलिब्रियम, फेज मतलब दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फेज आर देयर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट टू द हायर डेंसिटी साइड एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट टू द लोअर डेंसिटी साइड। किसका डेंसिटी ज्यादा होता है आइस और वाटर में? आइस का। आइस। अच्छा वाटर का ज्यादा होता है। वाटर का एक्सेप्शनल केस है, जनरली सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है बट आइस वाटर इज एक्सेप्शनल केस। क्लियर? सो प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस बनेगा या वाटर बनेगा? वाटर बनेगा। So on increasing pressure, reaction shift in forward direction. On decreasing pressure, reaction shift in backward direction. Right? Yes, sir. Forward arrow पे on increasing pressure लिखा है, backward arrow पे on decreasing pressure लिखा है। High density, low density. डेंसिटी को रो लिख दिया। चलो सेक्शन के करना है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ऑल 7 क्वेश्चंस, यू हैव 7 मिनट्स, नॉट 7, इवन लेस देन 7 मिनट्स। फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस कौन से डिस्कस करने हैं?
You can unmute yourself. You can type in chat box. Second question from Athar. Second, K2. Given the following reaction, some inert gas at constant pressure is added. मतलब volume को बढ़ाया है. So, हमने basically ये वाला case है, third case, at constant pressure, reaction shift in the direction where delta NG is greater than zero, मतलब backward direction में reaction shift होगी, for the backward direction में reaction shift होगी, तो less ammonia is produced, B option is correct. आया समझ में थर? हाँ सर, समझ गया. K3, एक reaction दिया है, inert gas is introduced, which of the following are correct? Closed container. देखो, closed container का मतलब ही यही है, वो indirectly बोलना चाह रहे हैं. Closed container है, we cannot change the volume. Volume is constant. So K3 में they wanted to say the volume is constant. No effect on equilibrium. Is that okay, K3? यदि हम constant volume पे inert gas को add करते हैं, there will be no change at equilibrium. ये board पे लिखा ही है भी ना? इसके जस्ट पहले वाला ए ऑप्शन, ए केस था वो. कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट होता है. K4, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दिस एंड दिस. द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड K4 में देखो, डायमंड बनाना है, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है तो मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन हाई डेंसिटी की तरफ मूव करेगा. सो हाई प्रेशर, ये तो फिक्स है, या तो ए ऑप्शन या सी ऑप्शन K4 में. अब टेम्परेचर से क्या ऐसे डिपेंडेंसी आएगी, ये बताओ मुझे, किस टेम्परेचर बढ़ाने पर किस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ता है, एंडोथर्मी या एक्सोथर्मी? एक्सोथर्मी. ऐसा मत कर यार, देखो लेक्चर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक. सो एंडोथर्मिक डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड का डेल्टा एच दे रखा है -1.9, मतलब नेगेटिव है, तो बैकवर्ड का पॉजिटिव हो गया. क्लियर? यदि बैकवर्ड का पॉजिटिव है सो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड का बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब शिफ्ट होगी, हाई टेम्परेचर. सी ऑप्शन इज करेक्ट, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. और वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी बचाए, हमने तीन केसेस देखे हैं लीचेट एरर्स के, इसके दो केसेस और बचे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी और एक इनर्ट गैस एडिशन, सॉरी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. थोड़ा सा उसके लिए और वेट कर लो, हाई प्रेशर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, हाई टेम्परेचर कल मैं बताऊंगा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा. ठीक है, होमवर्क में सेक्शन M को छोड़कर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और मेरे पास नेक्स्ट टाइम कुछ काम नहीं है, डिस्कशन ही करना है क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट. तो कल ही लेक्चर है, इतना ही होमवर्क दूं या कुछ और ऐड करूं इसमें? आप देख लो, एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट करना ही है, एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट सेक्शन एम ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला छोड़कर. Exercise 2, part 1, all the questions except question number 16, which is based on simultaneous equilibrium. Chalo, itna hi de raha hu main kal ke liye na. Theek hai, lecture notes acche se padhna, fir homework karna, aur kal ye chapter mera complete ho jayega. Iske baad thermodynamics start karenge hum. चलो, आई एम एंडिंग सेशन नाउ.